नमस्कार, स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। पश्चिम बंगाल फिर से आतंक के साए में जी रहा है और ममता सरकार चुप है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वैसे तो अपनी बातों के लिए जानी जाती हैं, लेकिन जब बंगाल में घर के अंदर ही बीजेपी कार्यकर्ताओं और आरएसएस के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जाता है और उनकी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है, तब वह दिखाई नहीं पड़ती। वैसे तो सियासत में अपनी धाक जमाने वाली ममता बनर्जी केंद्र सरकार को घेरने की कोई कसर नहीं छोड़ती, लेकिन प्रदेश में बढ़ते और बंगाल में बढ़ते खून की नदियों पर वह चुप्पी साध लेती हैं। ताजा मामला मुर्शिदाबाद का है, जिसके कारण एक बार फिर बंगाल सरकार निशाने पर है और वहीं बंगाल की शेरनी की दहाड़ इस वक्त खामोश है, जो कई सवालों को जन्म देती है। दरअसल बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में एक आरएसएस कार्यकर्ता उसकी 8 महीने की गर्भवती पत्नी और 6 साल के बेटे की हत्या कर दी गई। हत्या इतने निर्मम तरीके से की गई कि एक बार को तो खुद शैतान के भी हाथ पांव फूल जाए, लेकिन हत्यारों को जरा भी रहम नहीं आया और हत्या भी उस राज्य में हुई जहां देवी माँ दुर्गा की पूजा की जाती है, लेकिन हत्यारों को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप भी जरा सोचिए कि गर्भ में पल रहे बच्चे का कसूर क्या था, सिर्फ ये कि उसका पिता संघ से जुड़ा हुआ था या फिर कोई और वजह थी। उस 8 साल के मासूम की क्या गलती रही होगी जो उसे परलोक भेज दिया गया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर शख्स गर्भवती पत्नी और उनके 8 साल के बच्चे की धारदार हथियार से हत्या कर दी। घटना मुर्शिदाबाद के जियागंज इलाके की है। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतक की पहचान 35 वर्षीय बंधु प्रकाश पाल, उनकी पत्नी ब्यूटी मॉन्डल पाल और उनके बेटे अंगन बंधु पाल के रूप में हुई। सूत्रों के अनुसार पश्चिम बंगाल में धर्म, जाति और संप्रदाय के नाम पर इस खूनी खेल का खुलासा तब हुआ जब पड़ोसियों ने उनके घर का दरवाजा खोला तो तीनों के खून से लथपथ शव देखकर हैरान रह गए। पुलिस ने बताया कि बंधु प्रकाश पाल एक स्कूल टीचर थे जो गोसाई ग्राम स्थित एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते थे, जबकि उनकी पत्नी गर्भवती थी। तीनों की धारदार हथियार से नृशंस हत्या कर दी गई और इस हत्या की खबर के बाद अब इस पर राजनीति में भी भूचाल आ गया है। दरअसल पश्चिम बंगाल राष्ट्रीय स्वयंसेवक आरएसएस के नेता जिष्णु बसु के अनुसार बंधु प्रकाश आरएसएस कार्यकर्ता थे और हाल ही में वह साप्ताहिक मिलन में शामिल हुए थे और इसके बाद से ही लोग ट्विटर पर इस खबर को शेयर करने लगे और इसे राजनीतिक चोला पहनाने लगे। स्थानीय लोगों के मुताबिक पाल परिवार जियानगंज में करीब 6 साल से रह रहा था। प्रकाश प्राइमरी स्कूल में अध्यापक थे, वह पिछले 20 साल से वहां कार्यरत थे। वह मूल रूप से शाहपुर जिले के रहने वाले हैं और अपने बेटे की पढ़ाई के लिए मुर्शिदाबाद शिफ्ट हुए थे। हालांकि पुलिस इस बात से इनकार कर रही है कि इस हत्याकांड में कोई भी सियासी मायने नहीं है, लेकिन ममता सरकार एक बार फिर से केंद्र के निशाने पर है। इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल पंजाब केसरी दिल्ली से। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारी पूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल punjabkesari.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें।